दोस्तों, घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के कुछ आसान से उपाय। हमें उम्मीद है कि ये सब उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आइए देखते हैं उपाय नंबर एक। सर्पगंधा को कूट पीस कर छान कर एक साफ कांच की बोतल में भर कर रख लें। यह चूर्ण सुबह और शाम 2-2 ग्राम दूध या पानी के साथ 3 महीने तक इस्तेमाल करें। बढ़े हुए रक्तचाप के लिए अत्यंत गुणकारी और उत्तम प्रयोग है। नंबर 2, आंवला और मिश्री संभाग लें और दोनों को पीसकर चूर्ण बना लें और एक कांच की बोतल में भर कर रख लें। 3 ग्राम प्रतिदिन सुबह पानी के साथ सेवन करें। कुछ दिनों के इस्तेमाल से बढ़े हुए रक्तचाप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 3, 2 चम्मच मेथी 1 कप पानी में रात में भिगो दें और अगले दिन सुबह मेथी को खाली पेट चबा चबा कर खाएं और ऊपर से मेथी का पानी भी पी लें। यह प्रयोग 41 दिन तक करें। नंबर 4, 3 या 4 कलियां कच्चे लहसुन की लें और सुबह खाली पेट चबाकर ऊपर से पानी या दूध पी लें। पेट में थोड़ी जलन होगी लेकिन घबराएं नहीं। यह प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के लिए दोनों के लिए रामबाण है। बहुत ही उत्तम, अति उत्तम प्रयोग है। नंबर 5, तरबूज के बीज की गिरी और खसखस दोनों को संभाग लेकर अलग अलग पीस कर और दोनों को मिलाकर रख लें। 1 चम्मच खाली पेट सुबह और 1 चम्मच शाम पानी के साथ लें। इस प्रयोग को 41 दिन तक इस्तेमाल करने से अत्यंत लाभ होगा। नंबर 6, सर्पगंधा, आंवला, गिलोय, अर्जुन की छाल सबको बराबर मात्रा में लेकर कूट पीस कर छान कर रख लें और दिन में 2 बार पानी के साथ 2-2 ग्राम लें। हाई ब्लड प्रेशर इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिन में जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नंबर 7, 100 ग्राम पानी में 31 दाने किशमिश रात में भिगो दें और सुबह अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। यह है लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छी और उत्तम दवा है। नंबर 8, लौकी, एक छोटी लौकी लें और उसके साथ 10 तुलसी के पत्ते, 10 पुदीने के पत्ते और 1 चुटकी काला नमक, इन सबको मिलाकर 1 गिलास जूस तैयार कर लें और सुबह हर रोज़ खाली पेट पिएं। 3 महीने के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 9, हर रोज़ सुबह योगा करें, इससे भी रक्तचाप कंट्रोल में रहता है। परहेज, जंक फूड, तला हुआ खाना और ज़्यादा तेल वाला खाना ना खाएं। नशा आदि जैसे शराब पीना, गुटखा खाना और बीड़ी सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दें। उपाय हमारे और फ़ायदे आप सबके, इसी ख्याल के साथ अब दीजिए इजाज़त। जल्द ही फिर हाजिर होंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। हमारा यह प्रोग्राम यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन सबको भी इसका फ़ायदा मिल सके।